नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। आज चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात क्यों हुई है। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का कहना है कि आज उनकी मुलाकात व्यक्तिगत तौर पर हुई है और चिराग पासवान अपने पिता की बरसी को लेकर के आमंत्रित करने के लिए तेजस्वी यादव के पास गए थे। और इसी मौके पर जब चिराग पासवान से ये पूछा गया कि क्या आप सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित करेंगे, तो उस मौके पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। से भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्या उनको भी आप इनविटेशन देंगे? भाई, मैंने समय तो लिखवाया हुआ है, पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खासतौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले जरूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने का। भाई एक सेकंड, आप भी बोल लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं सीएम नीतीश कुमार को जरूर आमंत्रित करूंगा और इसके लिए मैंने पत्र भी दिए हैं, लेकिन अब तक नीतीश कुमार की तरफ से हमें समय नहीं दिया गया है। और व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो कई बार चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जाता है। इस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने किया है कि मैं कई बार चाहता हूँ कि मैं सीएम नीतीश कुमार से मिलूँ, उनसे कुछ बातें करूँ, अपनी समस्याओं को रखूँ, बिहार के बारे में बताऊं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मुझे समय नहीं दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। वहीं तेजस्वी यादव भी इस बात पर चिराग पासवान का समर्थन करते नजर आए। उनका भी कहना है कि उन्हें चिराग पासवान को समय देना चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति बातें नहीं है, ये एक व्यक्तिगत तौर पर वो अपने पिता की बरसी पर नीतीश कुमार को आमंत्रित करना चाहते हैं और इसीलिए उनसे मिलना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को इस बात को ध्यान में रखते वे चिराग पासवान को समय जरूर देना चाहिए। वहीं इस मौके पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों साथ में दिखे और दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा। अगर हम बात कर ले राजनीति की, तो फिलहाल चिराग पासवान का कहना है कि ये उचित समय नहीं है जब हम राजनीति की बातों को करें, क्योंकि 12 सितंबर को मेरे पापा की बरसी है और इस मौके पर मैं हर वो राजनेता को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो कि हमारे सबसे नज़दीकी रहे हैं और जिनसे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं अगर हम पशुपतिनाथ पारस की बात कर ले, तो पशुपतिनाथ पारस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने चाचा को जरूर आमंत्रित करूंगा और जो कार्ड बरसी की बनाई गई है उसमें उन्होंने पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज दोनों के नाम को लिखा है। और उनका कहना है कि राजनीति विवाद कुछ भी हो, लेकिन हमारी पारिवारिक एक संबंध है और उसे मैं निभाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संस्कार ऐसे हैं कि मैं राजनीति को अपने पारिवारिक संबंध से नहीं जोड़ सकता। और इस तरीके से आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और तेजस्वी और चिराग के बीच में जो राजनीति बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि दोनों साथ मिले हैं तो दोनों आने वाले समय में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक पार्टी बनकर उभरेंगे, इस पर अभी चिराग पासवान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं समय तो मांगा हूँ, अब देखना ये होगा कि सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान को समय देते हैं या नहीं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।